पारे की इब्तिदा में एक गांव का वाकया बयान किया जा रहा है और नबी से यह कहा जा रहा है कि आप उनसे गांव वालों का वाकया बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाब अल-क़रिया इज़ जाअहुल मुरसलून إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم आप इनसे बस्ती वालों का किस्सा बयान कर दीजिए जहां हमने पहले दो रसूल भेजे। इद अरसलना इलैहिम उतनाइन, जहां हमने पहले दो रसूलों को भेजा, फिर इन दो रसूलों की तकवियत और ताईद के लिए एक और रसूल भेजा। फाजजना बिसालिस, तीसरा भी भेजा गया और तीनों ने मिलकर के ये कहा कि हम तुम्हारी तरफ अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। इन्ना इलैकुम लमुरसलून। अब ये बस्ती कौन सी थी? मुफस्सरीन का रुझान ये है कि इस बस्ती का नाम इंताकिया था। इन तीन रसूलों ने जब ये कहा कि हम आप लोगों की तरफ अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, तो कौम का जवाब ये था कि तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो। कालू मान तुम इल्ला बशर मिथल। दूसरी बात उन्होंने कही, वमान ज़ला रहमान मिन शय, रहमान ने तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम अपनी तरफ से बातें गड़गड़ करके बयान कर रहे हो। इन अंतमिल्ला तकदीबुन, तुम लोग छूटे हो। गोया इन तीनों नबियों और रसूलों के ये कहने पर कौम से कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए रसूल हैं, कौम ने उनसे तीन बातें कही। एक तो तुम हमारी तरह एक इंसान हो, दूसरे रहमान ने तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नाजिल नहीं की है, और तीसरे तुम लोग झूठ बोलते हो। قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ। अब किसी को यह कह दिया जाए कि तू झूठा है तो आदमी तो मरने मारने पर आमादा हो जाए। लेकिन यहां आप देखेंगे कि नबियों ने उनके इस एक्शन के ऊपर किसी शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया। यहां दाइयों के लिए एक सबक है कि अगर आप दावते दीन किसी के सामने पेश करें और वो आपको झूठा ठहराए, आपसे सख्ती और दुरुस्ती के साथ पेश आए, तो आप आस्तीन न चढ़ा लें और मरने मारने पर आमादा ना हो जाए, बल्कि सब्र के साथ आप उनसे बात करें और उनके सामने दावत तौहीद और दावत दीन पेश करें। इन तीन बातों के जवाब में उन्होंने इतना कहा, कालू रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, हमारा रब जानता है कि हम भेजे हुए रसूल हैं, अब हमने बात तुम तक पहुंचा दी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, खोल खोल कर हमने बातें पहुंचा दी हैं, अब मानना ना मानना यह तुम्हारा काम। यानी एक दाई का काम यह होता है कि दावते दीन को लोगों तक पहुंचाए। पहली बात, दावते दीन पहुंचाने पर अगर मुखालिफीन की तरफ से या मदउवीन की तरफ से किसी शदीद रद्द अमल का इजहार हो तो ये खुद मुश्तइल ना हो बल्कि सब्र से काम ले और ये कह दे कि मैंने बातें खोल खोल कर बयान कर दी हैं, अब मानना ना मानना तुम्हारा काम है।
ये रास्ता खैर की तरफ जाता है और ये रास्ता शर की तरफ जाता है, ये जन्नत का रास्ता है और ये जहन्नम का रास्ता है, अब तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। एक अजीब मामला हो गया था, ये लोग जब से बस्ती में आए थे तब से कुछ बीमारियां भी आ गई थी। दर हकीकत ये कौम के ऊपर एक तरीके की आजमाइश थी, लेकिन उन्होंने ये समझा कि इन लोगों के आने की वजह से ये सब मुसीबतें आ रही। तो उन लोगों ने कहा कालू इन्ना ततय्यर ना माकुम, अरे तुम लोग इंतहाई मनहूस हो, जब से तुम लोग इस बस्ती में आए हो हम लोगों को बिल्कुल सुकून नहीं मिला, हमारा सुकून गारत होकर के रह गया है, तुम लोग इंतहाई मनहूस हो, और देखो अगर बस्ती से निकले नहीं तो पत्थर मार मार करके तुमको यहां से भगा देंगे, निकाल देंगे। इसके जवाब में भी उन्होंने किसी इश्तियाल का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि ये कहा कालू तौइरुकुम माकुम, ये जो मुसीबतें आ रही हैं ये तुम्हारी नहुसत की बिना पर है, हम लोग मनहूस नहीं है, हम लोगों की नहुसत की बिना पर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारे अमलों का नतीजा है जिनको तुम नहुसत समझ रहे हो। इस्लाम में नहुसत नहीं है। बाज़ लोग अपनी बीवियों से कहते हैं ये तो किस मनहूस खानदान की है, मनहूस जब से घर में आई है तब से बेबरकती फैल गई है, लड़का काम पर था लड़के का काम छूट गया है, नौकरी पर था और नौकरी से निकाल दिया गया है, गोया तेरा ये मनहूस कदम जो घर में पड़ गया है सब इसी का नतीजा है, तेरी नहुसत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माएं बहनें भी गौर से सुन लें, इस्लाम में नहुसत का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर कोई मुसीबत आती है तो लोगों के बुरे अमलों का या तो नतीजा होती है या फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश होती है। अच्छा, कैसे हम समझें कि ये मुसीबत जो आई है वो आजमाइश है या अजाब है, कैसे पता लगाएं? मसलन मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, अब मैं कैसे समझूं कि ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है वो अल्लाह की तरफ से अजाब है या ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है? जानने का एक तरीका है, अगर मुसीबत आने के बाद आदमी अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए और अल्लाह तबारक व ताला के सामने आजिजी इंकसारी और तजर्रो करने लगे तो समझो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अगर मुसीबत आने के बाद गुनाहों में इन्हमाक पड़ जाए, थोड़ा गुनाह कर रहा था ज्यादा करने लगा, तो दर हकीकत ये जो मुसीबत आई है ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। अगर मुसीबत आने के बाद आदमी अल्लाह की तरफ रुजू हो तो ये मुसीबत आजमाइश है, और मुसीबत आने के बाद लोगों का इन्हमाक अगर गुनाहों में बढ़ जाए तो समझो ये मुसीबत उसके ऊपर अजाब की हैसियत रखती है। ये एक खते इम्तियाज है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि यह मुसीबत जो आई है वह अजाब है या इब्तला है, आजमाइश के अजाब। कहा कि ये जो परेशानियां आ रही हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से आ रही है, तुम्हारे बदअमलियों की वजह से आ रही है। कौम इनके कत्ल करने के दर पर हो गई, लेकिन आपको मालूम है कि हर बस्ती के अंदर सारे लोग बुरे नहीं होते, कोई ना कोई अच्छा आदमी जरूर होता है। एक आदमी गांव के बिल्कुल किनारे से दौड़ता हुआ आया, वजा अमिन अक्सल मदीनति रजुल यसा, केम रनिंग आया दौड़ता हुआ और कहा अरे तुम इन तीनों रसूलों को कत्ल करने वाले हो जबकि इनके अंदर दो सिफतें हैं, और इस आने वाले आदमी ने उन तीनों रसूलों की जो दो सिफतें बयान की दर हकीकत इन दोनों सिफतों के अंदर उनके पूरे किरदार को समेट करके रख दिया है। क्या कहा? वजा मिन अक्सल मदीनति रजुल यसा काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, कि ये इतनी दूर से आए हैं तुम्हारे पास
और फ्री में ये पैगाम तुम तक पहुंचा रहे हैं, तुमसे कोई अज्र नहीं मांग रहे हैं, क्या ये बात काबिले गौर नहीं है? तुम्हारे पास ये दावत पेश करने के पीछे उनकी कोई जाती गरज नहीं है, कोई जाती मफाद नहीं है, ये काम वो बेगरज कर रहे हैं। तो इस काम के ताल्लुक से उनका बेगरज होना, और दूसरे इन तीनों के अखलाक और किरदार देख लो, क्या इनके अखलाक और किरदार के किसी पहलू के ऊपर अंगुश नुमाई करने की जगह है? तो एक तो ये बेगरज है और दूसरे ये आला अखलाक के मालिक है, और ये दो चीजें जिस इंसान के अंदर हूं उसकी इत्तेबा जरूर करनी चाहिए। ये बेगरज है और दूसरे हिदायत याब है। मल्ला यसअलुकुम अजरा व हुम मुहतदून, इन दो वस्फों को बयान करके, दो सिफतों को बयान करके उन तीनों रसूलों के किरदार को वाजे तौर पर उस आदमी ने बयान कर दिया और कहा कि ये लोग इत्तेबा के लायक। उसके बाद उसने तौहीद पर तकरीर शुरू कर दी। तीनों रसूल एक तरफ, कौम सामने, और इस आदमी ने उन तीनों रसूलों के औसाफ बयान करने के बाद तकरीर शुरू कर दी, उनके रिसालत की दलील देने के बाद। अब तौहीद पर तकरीर, वमालियला आबुदुल्लदी फतौरनी वइलैहि तुरजऊन, अरे मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब है कि मैं ऐसे बुतों की परस्तिश करूं जो नफा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते? इबादत के लायक तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसकी इबादत क्यों ना करूं? ममालियला आबुदुल्लदी फतौरनी वइलैहि तुरजऊन, जिसने मुझे पैदा किया है मैं उसकी इबादत करूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है उसकी इबादत करूं? कि वो जिन लोगों की तरफ हमें लौटना नहीं है या जिन लोगों ने मुझे पैदा नहीं किया मैं उनकी इबादत करूं? और उसके बाद कह रहा है इन युरिदनी रहमान बिज़ुर्रिल्ला तुगनी अन्नी शफातुहुम शैय्यन वला युन्क़िज़ून, अगर अल्लाह किसी आदमी के ऊपर मुसीबत का इरादा कर ले कि इस आदमी के ऊपर मुसीबत भेजनी है तो तुम्हारे सारे माबूद मिल करके भी और उनकी सिफारिश ये उस मुसीबत को टालने पर कादिर नहीं होगी। वमालियला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी वइलैहि तुरजऊन, अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन, क्या अल्लाह को छोड़ करके मैं ऐसे लोगों को माबूद बना लूं? इन युरिदनी रहमान बिज़ुर्रिल ला तुग़नी अन्नी शफ़ातुहुम शैय्यन वला युन्क़िज़ून, कि अल्लाह अगर मुसीबत नाजिल कर दे मेरे ऊपर तो ये मुसीबत को दूर ना करें, ना कर सकें और मुसीबत से मुझे बचा ना सकें, तो जो मुसीबत से बचा ना सके तो वो इबादत के लायक कैसे हो सकता है? अरे कौम ने कहा ये तो बददीन है, मारो इसको। इतना मारा कि वो आदमी मर गया, और जैसे ही उसकी रूह निकली अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन हुक्म दिया कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया कि उन्हें मुर्दा मत कहो, इसलिए कि वो जिंदा हैं। किस तरह जिंदा हैं हम ये फैसला नहीं कर सकते किस तरह जिंदा हैं, हदीस जो बताएगी हम जानेंगे कि उस तरह जिंदा है। शहीदों के बारे में कहा गया कि उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा, किस तरह जिंदा है? हदीसों में बताया गया है कि शहीदों की रूहों को जन्नत में ले जाया जाता है और वहां हरे हरे परिंदों के कालप में, पोटों के अंदर उनकी रूह को डाल दिया जाता है, और ये परिंदे पूरे बागों में जन्नत के घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं जन्नत के फल, और उसके बाद जब शाम होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जो किंदीलें लटक रही होती हैं इन किंदीलों के अंदर आकर के बसेरा करते हैं। ये है उनकी जिंदगी का मामला। वो कब्रों में जिंदा है लिहाजा उनसे मांगो वो देते हैं, ये किसने कहा? ये मतलब है वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वला किल्ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते कि उनकी जिंदगी किस तरह है। शहीदों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वो किस तरह जिंदा है, आम लोगों की तरह नहीं हो बल्कि उनकी रूहों को डायरेक्ट
जन्नत के सब्ज परिंदों के पोटों में डाल दिया जाता है और जन्नत में चहचहाते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। और जब जन्नत में शाम होती है तो अर्श के नीचे जो कंदीले लटक रही होती है उन्हीं कनादील मुअल्लका के अंदर वो अपना बसेरा करते हैं। यह उनकी जिंदगी का हाल। लोगों ने क्या इस्तेदलाल किया है कि ये अल्लाह की राह में मर गए हैं। बोले ये अल्लाह की राह में कैसे मर गए हैं, ये कहीं लड़े थे क्या दुश्मनान इस्लाम से? बोले नहीं, ये सूफी थे और अल्लाह तबारक व ताला के तीरे नजर से मर गए। तीरे नजर से मर गए? अरे तीरे नजर से मरने के लिए किसने कहा था? वो शहीद कहां होते? उनको शहीद थोड़ी कहा जाता है। जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मारे गए उनको शहीद कहा जाता है। और उनकी जिंदगी इस तरीके की है। ये आदमी देखो तौहीद की दावत देते हुए मारा गया और फौरन अल्लाह ताला ने कहा फदखुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल कर दो। जन्नत में दाखिल हो गया और जन्नत में पहुंचने के बाद कह रहा है قال يا ليت قومي يعلمون, काश कि मेरी कौम जान लेती कि रसूलों की इत्तेबा से क्या फायदा होता है और दावत तौहीद क्या होती है। बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ताला ने मुझे उसकी वजह से बख्श दिया, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। वो जालनी मिनल मुकरमीन, और मुझे इंतहाई एजाज बख्शा, मुझे इंतहाई इज्जत दी। काश मेरी कौम को मालूम होता। पता ये चला कि दाई को हमेशा अपनी कौम का खैरखा होना चाहिए। ये आदमी मरने के बाद भी अपनी कौम का खैरखा है, तो एक दाई को ये बात पेश नजर रहनी चाहिए, रखनी चाहिए अपने, कि वो हमेशा अपनी कौम का खैरखा रहे। ये दाई देखो मरने के बाद भी अपनी कौम का खैरखा है कि काश मेरी कौम को यह मालूम हो जाता कि बिमा गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन, कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मेरा एजाज फरमाया, किस तरीके से मेरे गुनाहों को बख्श दिया है। सिलसिले कलाम जो चल रहा है वो क्या है कि एक आदमी अल्लाह की राह में मारा गया और जन्नत में पहुंचा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद जिंदगी है? जी हाँ, मरने के बाद जिंदगी है और हकीकी जिंदगी वही है। ये जिंदगी आरजी है, 60 साल की 65 साल की 70 साल की, उसके बाद खलास, वहीं जाना है सबको। ये जितने बैठे हुए एक दिन नहीं रहेंगे, अभी जमीन के ऊपर आएंगे, जमीन के नीचे चले जाएंगे। फिर लोग कहेंगे कुछ लोग थे, अभी हैं। लोग कहेंगे कुछ लोग थे, किसी को इस दुनिया के अंदर हयात अबदी नहीं दी गई है। जहां बड़े बड़े बादशाह होते थे, हटो बच्चों की आवाजें आती थी, आज वो किले वीरान पड़े हुए हैं, वो कुएं सूखे पड़े हैं। और जिन अंदर बादशाह महब इस्तराहत हुआ करते थे, आज उनमें बड़े बड़े सांप रहते। ये हाल है इस दुनिया का, किसी को इस दुनिया में रहना नहीं, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। अब मरने के बाद जिंदगी है, उसकी दलील ली जा रही है। क्या दलाई है अल्लाह को? अल्लाह फरमाता है वह आयतुल लहुमुल अर्दुल मैता, बास बादल मौत की एक दलील अर्दे मैत है, सूखी जमीन। अल्लाह पूछ रहा है कभी गर्मी के मौसम में किसी ऐसी जमीन से गुजरे हो जहां घास नाम की कोई चीज ना हो, बल्कि घास की जड़ें जल करके जमीन के ऊपर पड़ी हुई हो, धूल मिट्टी में, ताकि हां गर्मी के मौसम में हमने देखा कि वहां हरियाली नाम की कोई चीज नहीं, दूर दूर तक तो कोई पौधा नजर नहीं आता था। कहा कि उसी जमीन से कभी बरसात के मौसम में तुम्हारा गुजर हुआ है? बोले हाँ गुजर हुआ है। तो अब वहां क्या है? बोले चारों तरफ हरियाली, जहां पौधे नहीं थे पौधे निकल आए हैं। निकले कैसे? उनकी जो सूखी जड़ें थीं, जो खत्म हो गई थीं, जिन जड़ों के अंदर से रूह निकल गई थी, जान निकल गई थी, बारिश का पानी पड़ने पर उन जड़ों के अंदर रूह आ गई और वहां से जिंदा पौधे निकले। ऐसे ही जैसे बारिश पड़ने पर वो सूखी हुई जड़ें जिंदा हो जाती हैं और उनसे पौधे निकलते हैं, ऐसे ही जब सूर फूंका जाएगा तो जमीन में गड़े हुए मुर्दे, उनकी बिखरी हुई हड्डियां, इसी तरीके से उनके जिस्म के बिखरे हुए अज्जा एक जगह जमा हो जाएंगे और सूर फूंकने के बाद सब जमीन से उबल पड़ेंगे, जिस तरीके से पौधे निकलते हैं बरसात के अंदर। ये
पास बादल मौत की एक मुशाहदाती दलील थी कि अपनी आंखों से देख सकते हो कि मरने के बाद जिंदा आदमी कैसे होगा और मरने के बाद जिंदगी कैसे नमूदार होती है। और उसके बाद दूसरी दलील दी गई, सुभान अल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने दुनिया में हर चीज के जोड़े जोड़े बनाए हैं। ये जूलॉजी का एक जबरदस्त मसला है, एक साइंसी मसला है, और ये बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ है। और कुरान हकीम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि हर चीज के जोड़े जोड़े हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका जोड़ा ना हो। गोरे का जोड़ा काला, नाटे का जोड़ा लंबा, खूबसूरत का जोड़ा बदसूरत, इसी तरीके से खैर का जोड़ा शर, शर का जोड़ा खैर, औरत का जोड़ा मर्द, मर्द का जोड़ा औरत। जब दुनिया की कोई शय बगैर जोड़े के नहीं है, तो अगर दुनिया है तो इसका भी जोड़ा होना चाहिए, और वो आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला ने कानून तजवीज से इस्तिदलाल फरमाया कि जब हर चीज का जोड़ा है तो दुनिया का भी जोड़ा होना चाहिए, तो दुनिया का जोड़ा आखिरत है। और एक नुक्ता और बताया कि जब तक चीज अपने जोड़े से न मिले तब तक मकसद पूरा नहीं होता। मसलन मर्द का जोड़ा औरत है, अगर मर्द औरत से न मिले तो बच्चा पैदा नहीं होता। तो गोया जब तक चीज अपने जोड़े से न मिले तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता, ऐसे ही दुनिया अगर अपने जोड़े आखिरत से न मिले तो मकसद पूरा नहीं होता दुनिया का, और दुनिया बेमकसद और अबस ठहरेगी। किसी चीज के वजूद में आने के लिए, बामकसद होने के लिए जरूरी है कि दो चीजें मिलें, अपोजिट एक दूसरे से मिलें। मसलन नमक कैसे बनता है, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो करके मुस्बत रवाना बनता और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पा करके मनफी रवाना बनता, तो नमक कैसे वजूद में आता। फिजिक्स पढ़ने वाले लड़के मुस्कुरा रहे हैं, मैंने मवादियात पढ़े हैं फिजिक्स के जी। तो यहां देखा आपने नमक कैसे वजूद में आया, अगर ये सोडियम खास तनासुब के साथ क्लोरीन से ना मिलता तो नमक वजूद में नहीं आता, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वो मुस्बत रमा बन गया, मनफी रमा बन गया, वो मुस्बत है मनफी है, नमक वजूद में आ गया। तो जिस तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो करके मुस्बत रमा बन गया और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन पा करके मनफी रमा बन गया, तो नमक वजूद में आ गया। मुस्बत और मनफी बनने से उस चीज का मकसद पूरा हो गया, नमक जैसी शय वजूद में आ गई। तो जब तक चीज अपने जोड़े से ना मिले तब तक बामकसद नहीं बनती, ऐसे ही जब हर चीज का जोड़ा तो दुनिया का जोड़ा आखिरत, और दुनिया अगर आखिरत से ना मिले तो मकसद पूरा नहीं होता। लिहाजा जरूरी है कि दुनिया का एक जोड़ा हो और आखिरत हो, और मरने के बाद वहां जिंदगी हो, और वो भी अबदी जिंदगी हो। ये बास बादल मौत की एक इंतहाई हसीन दलील पेश की गई है कुरान हकीम में। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने दुनिया में हर शय के जोड़े बनाए। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इलॉजिकल, बिल्कुल गैर मंतिकी, कि आदमी मरने के बाद इस दुनिया में आ जाता है जिसको हम आवागमन बोलते हैं, और उसकी रूह मुख्तलिफ जोन बदलती रहती है, किसी दूसरे आलम में मुंतकिल नहीं होती। इस्लाम का अकीदा क्या है, पेश करता अकीदा कि मरने के बाद आदमी दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाता है, यहां नहीं रहता, जोन बदलता रहता है। उनके कहने के मुताबिक इस दुनिया में रूह रहती है, ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। मसलन कहते हैं कि एक आदमी बुरे काम करता है तो मरने के बाद उसको कुत्ता या बिल्ली बना दिया जाता है। फर्ज कीजिए कि इस लाइफ के अंदर वो अच्छे काम करता है और तो दूसरे जोन के अंदर उसे कोई अच्छा जोन दे दिया गया मरने के बाद, लेकिन अगर कोई इस लाइफ के अंदर, इस जिंदगी के अंदर बुरा काम करता है
और उसको लोअर कास्ट के अंदर भेज दिया जाता है, मसलन कुत्ता बना दिया गया, अब ये लोअर कास्ट में पहुंचने के बाद इन द नेक्स्ट लाइफ, दूसरे हयात के अंदर, दूसरी जिंदगी के अंदर, तो अब ये कौन सा अमल करेगा कि हायर कास्ट में पहुंच जाए? सवाल ही नहीं है। इसलिए कि सिर्फ इंसान के पास अल्लाह तबारक व ताला ने एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दी है जो डिफरेंशिएट करती है एक इंसान को एक जानवर से। अब वो जो सिफत है डिफरेंशिएशन की, वो तो जानवर के अंदर है ही नहीं, लिहाजा वो कौन सा ऐसा काम करेगा कि काम करने के बाद वो हायर कास्ट में पहुंच जाएगा? सवाल ही नहीं। लिहाजा रीइंकार्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही लॉजिकल, गैर मंतकी है। अच्छा ये बताओ, दुनिया में बुरे लोग ज्यादा हैं या अच्छे लोग? हमेशा बुरे लोग ज्यादा रहे, तो दुनिया की आबादी मरने के बाद, जैसे लोग मर रहे हैं, पॉपुलेशन घटनी चाहिए और बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन घटनी चाहिए बढ़ती जा रही है, इसका मतलब रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गैर मंतकी है और गैर मुशाहदा की है। मुशाहदा तो इसको उल्टा बता रहा है, इसके बरक्स बता रहा है। और तीसरे ये कि अगर कोई आदमी इस दुनिया में जुर्म करके गया है, उसे मसलन गाय बना दिया गया, भैंस बना दिया गया, कोई मोटी औरत इस दुनिया में अगर बुरा काम करके गई और अगले मरहले में उसको भैंस बना दिया गया, तो गाय बना दिया गया, तो उनको चारा मत दो। इसलिए कि लोग जेल में, जेल वालों को इतनी सहूलत क्यों फराहम की जाए? ये तो अजाब में है, अजाब के तौर पर इन्हें कुत्ता बिल्ली या गाय या भैंस बना गया है, तो इनको खाना नहीं देना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब नाजिल किया हुआ है। अब बिला इजाजत अल्लाह के तुम इन कैदियों को खाना क्यों दे रहे हो? अल्लाह ने तो इनको कैद में रखा हुआ है, ये तो अजाब भुगत रहे हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर बहस करने के बाद और तजिया करने के बाद मालूम होता है कि रीइंकार्नेशन का मसला जो है ये बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल फजूल है, इसकी कोई बेहतरीन दलील नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, अगर हम किसी कश्ती को डुबो दें और उसमें बैठे हुए लोगों को डुबो दें तो कोई गौस नहीं है कि उसको बचा सके। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। सरीख माने जिसको पुकारा जाए, गौस जिसको बोलते हैं। तो एक नुक्ता तो ये मिला, गौस अल्लाह के सिवा कोई नहीं हो सकता, चाहे कि कोई गौस आजम हो। गौस कौन? गौस माने मदद करने वाला, बहुत ज्यादा मदद करने वाला। दस्तगीर कौन? सिर्फ अल्लाह। दस्तगीर कौन? सिर्फ अल्लाह। गौस कौन? सिर्फ अल्लाह। तो वही नशा नुगरीकुम फला सरीख लहुम वला मुनकज़ून, अगर हम किसी को चाहें गर्क कर दें कश्ती समेत तो कोई नहीं है जो उसकी फरियाद रसी कर सके, कोई गौस नहीं है कि उसको बचा सके। बताइए चला अल्लाह किसी को डुबो दे, कोई निकालने वाला नहीं। एक थे हजरत, भीगे भीगे बैठे थे और कमर के ऊपर कुछ खराशें थी। अब देखो चालाकी और शैतानी, देखो किस तरीके से इंसान शैतान के अकीदे को बर्बाद करता है। कहा कि हजरत ये आप भीगे हुए हैं और ये आपके कमर के पास ये खराशें कैसी हैं, ये स्क्रेचेस कैसे हैं? कहने लगे कि यहां से काफी दूर एक दरिया के अंदर एक कश्ती डूब रही थी, बस गया था उसको बचाने के लिए, उसको जो निकाला तो यहां थोड़ी सी खराशें लग गई। बताइए अल्लाह ये फरमा रहा है अगर किसी को हम डुबो दें कश्ती समेत तो कोई गौस नहीं, ये बचा करके आ रहे हैं बेचारे, ये पिद्दी और पिद्दी के शोर में बेचारे। वैन नशा नुगरिकुम फला सरीख लहुम वला हुम मुनकज़ून, अगर हम किसी को गर्क कर दें तो उनका कोई गौस नहीं, उनका कोई फरियादरस नहीं कि उनको बचा सके। उसके बाद ये कहा गया कि सूरज और चांद साफ चल रहे हैं, वशम्स तजरी मुस्तकर लहा, सूरज अपने मदार पर घूम रहा है और अपने मेहबर पर भी घूम रहा है। अपने मेहबर के ऊपर घूमते घूमते 27 दिन के अंदर चक्कर पूरा कर लेता है, 27 डेज में उसकी हरकत पूरी हो जाती है। रफ्तार क्या है? 250 किलोमीटर फी सेकंड जो उसकी रफ्तार है सूरज की, अपने मेहबर के ऊपर 27 दिन में पूरा कर लेता है। और इसकी जो ऑर्बिट की गर्दिश है मदार की, तकरीबन 500 बिलियन सालों के अंदर उसकी मदारी गर्दिश पूरी होती है। क्या निजाम है अल्लाह तबारक व तआला का,
आदमी हैरान रह जाए, ये सूरज अपने कहकशानी निजाम के साथ जो घूम रहा है, अल्लाह फरमा रहा है शम्स तजरी मुस्तकर, सूरज अपने मुस्तकर की तरफ चल रहा है। ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, अल्लाह तबारक व तआला जो इंतहाई अलीम है, कदीर है, उसने अंदाजा किया हुआ है, उसी अंदाजे पर वो चल रहा है। والقمر قدرناه منازل, और हमने चांद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। आमतौर पर 29 या 30 दिन के अंदर ये अपनी मंजिलें पूरा कर लेता है, चूंकि एक दिन गायब रहता है, चूंकि एक अमावस के दिन गायब रहता है, तो आमतौर पर इसकी जो मंजिलें होती हैं वो 28 दिन की होती हैं। والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, मंजिलें पूरी करने के बाद जब निकलता है तो बिल्कुल खजूर की टहनी की तरह हो जाता है, खमीदा कमर, कमर टेढ़ी हो जाती है। चांद कैसा होता है? टेढ़ी कमर वाला। इसका मतलब है पूरे का पूरा चांद था, फुल मून था, धीरे धीरे उसकी कमर किसी ने टेढ़ी कर दी। कोई है जो उसके ऊपर हुक्मरान है, उसकी कमर को टेढ़ी कर देता है, तो टेढ़ी कमर वाला ये ऐब वाला है, और कोई ऐब वाला माबूद बनने के लायक नहीं होता। इस्तिदलाल ये किया जा सकता है कि चांद माबूद नहीं हो सकता, चांद माबूद नहीं हो सकता, जो घटे और बढ़े, जिसके अंदर नक्स हो, जिसके अंदर ऐब हो, वो माबूद नहीं हो सकता। और यही इस्तिदलाल किया जा सकता है कि चांद अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, चांद को इजाजत नहीं। अल्लाह फरमाता है लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वल लैल सबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, सूरज को यह इजाजत नहीं कि चांद के मदार में दाखिल हो सके, और चांद को यह इजाजत नहीं कि सूरज के मदार में दाखिल हो सके। सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ऐसे ही इस दुनिया के सूरज और चांद मर्द और औरत है। मर्द का दायरेकार बैरून खाना है, घर के बाहर, और औरत का दायरेकार अंदरून खाना। आज जो खानगी निजाम तबाह है उसकी बुनियादी वजह जानते हैं? मर्द औरत के मदार में दाखिल हो गया है और औरत मर्द के मदार में दाखिल हो गई है। जाहिर है कि अगर चांद सूरज के मदार में दाखिल हो जाए और सूरज चांद के मदार में दाखिल हो जाए, निजाम आलम का दरहम बरहम होना लाजमी। ऐसे ही मर्द और औरत दोनों के अलग अलग ऑर्बिट हैं, अलग अलग मदार हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के मदार में दाखिल हो जाए, खानगी निजाम और आलमी निजाम तबाह बर्बाद होकर के रह जाए। आज जो बेहयाइयां फहाशियां जो दुनिया में फैल रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मर्द और औरत जिनके ऑर्बिट अलग अलग थे और मदार अलग अलग थे, दोनों एक दूसरे के मदार में घुस गए, दोनों एक दूसरे के ऑर्बिट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बल्कि घुस गए। तो दुनिया में अगर अमन अमान, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो मर्द को अपने मदार में रहना जरूरी है और औरत को अपने मदार में। उसके बाद कुफार मक्का के एक इतराज का जवाब दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को रोजी देना, इसका हुक्म अल्लाह क्यों देता है? इसलिए कि उसी ने तो गरीब बनाया, तो ये तो अल्लाह की मशीयत से गरीब है। हम क्यों अल्लाह की मशीयत के खिलाफ करें? हम उनको पैसा क्यों दें? अल्लाह ही ने उनको गरीब बनाया है ना, तो अल्लाह ने जब उनको गरीब बनाया है, अल्लाह की मशीयत से वो गरीब है, तो हम उनको पैसा क्यों दें? अल्लाह की मशीयत के खिलाफ काम क्यों करें? जवाब उसका दिया जा रहा है कि अल्लाह की मशीयत से पाखाना भी है, पेशाब भी है, और अल्लाह की मशीयत से इत्र भी है। लेकिन कोई आदमी इत्र इस्तेमाल करे तो अल्लाह पसंद करता है, और कोई पाखाना अपने कपड़े के ऊपर पोथे तो अल्लाह पसंद नहीं करता। जबकि पाखाना भी अल्लाह की मशीयत से, पेशाब भी अल्लाह की मशीयत से, इत्र भी अल्लाह की मशीयत से। कितना प्यारा जवाब है। वइदा क़ीला लहुम अनफिकु मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत्इमु मन लम यशाउल्लाहु अत्अमा, क्या हम उनको खिलाएं जिनको अल्लाह ने नहीं खिलाया? तो जिनको अल्लाह ने नहीं खिलाया उनको अगर हम खिलाएं तो ये अल्लाह की मशीयत के खिलाफ करना होगा। वही कहा जा रहा है अल्लाह की रजा अलग है, मशीयत अलग है। अल्लाह ने कुफ्र भी, अल्लाह की मशीयत से कुफ्र भी है, अल्लाह की मशीयत से ईमान भी है, लेकिन काफिर से राजी नहीं है, ईमान वाले से राजी। रजा अलग है और मशीयत अलग है। मशीयत से सब है, अच्छाई भी है बुराई भी है, सब अल्लाह की मशीयत से। खैर भी है उसी की मशीयत से, शर भी है उसी की मशीयत, चोरी भी है उसी की मशीयत से, सब कुछ उसी की मशीयत से है। लेकिन राजी होता है किससे? अच्छे कामों से। इत्र से राजी है, पाखाने से, जबकि दोनों अल्लाह की मशीयत से। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की रिदा इसमें है कि तुम गरीब को खाना खिलाओ। और देखो जानवरों में कोई अमीर और गरीब नहीं होता, लिहाजा उनको बिला वास्ता रोजी दी जाती है, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट रोजी दी जाती है।
जानवरों में कोई अमीर और गरीब नहीं, लिहाजा उनको बिला वास्ता रोजी दे दी जाती है। लेकिन चूंकि इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो एक दूसरे का मोहताज इसलिए बनाया गया है ताकि निजाम मईशत की बुनियाद इसी एहतियाज के ऊपर हो और ताउन बाहमी के साथ ये कारखाने आलम चल सके। तो अब आप देखिए कि एक आदमी गरीब है, आपने उसको जकात का 1,000 रुपया दे दिया, कौन सा एहसान किया आपने? इसलिए कि वो आपके पैसों का मोहताज था और आप सवाब के, आपको सवाब मिल गया, उसको पैसा मिल गया। भाई आपको पैसा, आपको सवाब मिला कि नहीं मिला, तो आपका एहसान क्या उसके ऊपर? भाई आपने गरीब को 1,000 रुपया दे दिया, वो आपके पैसे का मोहताज था, उसका फायदा हो गया, और आप सवाब के मोहताज थे, आपको सवाब मिल गया। आप किसी का काम कर रहे हैं, आप पैसे के मोहताज हो, आपकी मेहनत का मोहताज है। आपने मेहनत की, आपको उसने पैसा दिया, उसने आपकी मेहनत से फायदा उठाया, आपने उसके रुपए से फायदा उठाया, किसका किसके ऊपर एहसान है? गोया ताऊ ने बाहमी के ऊपर यह कायनात चल रही है। हर एक दूसरे को अल्लाह तबारक व ताला ने एहतियाज के बंधन में बांध रखा है और इसी एहतियाज के बंधन में बंधन बंद करके ये कारखाना आलम चल रहा है। बहुत ही अजीब गरीब फलसफा है। माशियात पढ़ने वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लड़के इस बात पर गौर करें। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, जब सूर फूंक दिया जाएगा तो सब अपनी अपनी कब्रों से उठ करके मैदान महशर की तरफ भागेंगे। तो जो एक सूर फूंका जाएगा सबके सब मर जाएंगे, फिर एक सूर और फूंका जाएगा सब उठ जाएंगे। तो इन दो सूरों के दरमियान कितना फासला होगा? तकरीबन 40 साल का। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि जब हम सूर इसराफील के जरिए फूकेंगे तो कब्रों से जब लोग उठेंगे, कालू या वैलना मुंबासा मरकदीना, हाय हमको हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगाया? ऐसा तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो ख्वाबगाह में तो सो रहे थे, तो कब्र में अजाब कहां होता है? कब्र में अजाब वो 40 साल तक मुलतवी कर दिया जाएगा, 40 साल बिल्कुल सुकूत रहेगा। ये सूर फूंक दिया गया, सब लोग मर गए। अब 40 साल के बाद मौत का सूर फूंका जाए, 40 साल तक मुकम्मल सुकूत रहेगा। अब जब उठाए जाएंगे तो ही कहेंगे ना, कालू या वही लेना मम्बातरा में मरता दीना, ज्यादा उस सवाल का जवाब है कि कब्र में अदाब होता है कि नहीं होता है? होता है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमारे सामने जब मुजरिमी लाएंगे, लाए जाएंगे, तो वो कहेंगे हमने गुनाह नहीं किए, हमने ये काम नहीं किए, तो हम आज उनके मुंह के ऊपर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और उनके पैर गवाही देंगे कि दुनिया में क्या काम करके आए। उसके बाद ये फरमाया गया कि ये कुरान हकीम ये जिंदा लोगों के लिए, लियुंजिर मन काना हय्यन, ताकि इसके जरिए आप जिंदों को डराएं, कुरान मुर्दों के लिए नहीं है। और आज कुरान को ताकनिसिया के ऊपर जुजदानों में लपेट करके खुशबुओं में बसा करके रख दिया गया है। और कब पढ़ा जाता है? अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है, बआयातश तोरा कारे जुजीनेस, क्या बोले? बआयातश तोरा कारे जुजीनेस्त की अजियासीन तू आसा बमीरी, अल्लाह की आयात से तेरा इतना ही ताल्लुक रह गया है कि कोई मरने लगे तो उसके सिरहाने बैठकर सूरे यासीन पढ़ दे ताकि आसानी से उसकी जान निकल जाए। बताइए, जो कुरान जिंदगी देने के लिए आया था उसको मारने के लिए पढ़ रहे हैं कि आराम से उसकी जान निकल जाए? बताइए, ये मुसलमानों का हाल है? एक किताबे जिंदा को मारने के लिए पढ़ा जा रहा है। आयातश तोरा कारे जुजीनेस की अजियासीन तू आसा बमीरी, अल्लाह की आयतों के साथ बस तेरा इतना ही ताल्लुक रह गया कि कोई मरने लगे तो उसके सिरहाने बैठ करके सूरह यासीन की तिलावत कर दे ताकि आसानी से जान निकल सके। यानी जो किताब जिंदगी देने के लिए आई थी उस किताब को मारने के लिए पढ़ा जा रहा है। कुरान हकीम की सूरह करीमा में सूरह यासीन के अंदर बयान फरमाया गया, लियुंजिर मन काना हय्यन, ताकि इसके जरिए आप जिंदों को डराएं। यह किताब जिंदा जिंदों के लिए है, यह किताब मुर्दा नहीं है कि मुर्दों के लिए इस्तेमाल की जाए। किताबे जिंदा जिंदा लोगों के लिए, ये किताबे मुर्दा नहीं है कि मुर्दों के लिए पढ़ी जाए। लिहाजा कुरान खानी बिदअत, इसलिए कि कुरान जिंदा लोगों के लिए। उसके बाद फरमाया गया कि वही जात है, ये बास बादल मौत पर और प्यारी दलील दी जा रही है, बहुत हसीन दलील है और बायोलॉजिकल दलील है। कौन सी?
बायोलॉजिकल जूलॉजिकल दलील है क्या के अरब वाले आतु माचिसे वगैरह हैं, मैचेस वगैरह हैं, तो काड़ी जो है निकाल करके और उसके ऊपर मस करते हैं तो आग निकलती है। पहले माचिस वगैरह तो थी नहीं, तो पहले क्या करते थे, दो दरख्त होते थे मर्ख और एफार। मर्ख मुजक्कर होता था, एफार मोहनस। ये औरतों में भी, ये दरख्तों में भी मर्द और औरत होती, जैसे कि मैंने बताया हर चीज का जोड़ा जोड़ा। तो जंगल में दो दरख्त होते थे मर्ख और एफार, मर्ख मुजक्कर एफार मोहनस। तो इसकी एक डाली तोड़ लेते थे और एफआर की एक डाली तोड़ लेते थे, फिर जब तोड़ते थे तो दोनों से पानी गिरता था इसे, और उसको जब रगड़ते थे तो आग निकलती थी, उससे वो आग हासिल करते थे। अल्लाह फरमा रहा है कि देखो हमने हरे दरख्त से आग निकाली, गोया द होली कुरान फोर्टेस ऑक्सीजन। देखे अल्लवी जालकुम जालकुम मिनश शजरिल अखदर नारन, हरे दरख्त से आग निकलना। बताइए दरख्त क्या निकालता है रात में भाई, क्या लेता है और क्या निकालता है? ऑक्सीजन फेंकता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इंसान की गजा ऑक्सीजन और ट्रीज की, पौधों की गजा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और अजीब बात तो यह है कि ये दोनों जहरीली गैस हैं, ऑक्सीजन एक जहरीली गैस है, गैस है वो, आग है वो। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बारे में फरमाया अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दर नारन, हरे दरख्त से उसने आग निकाली। और ये कहा कि जब पानी से आग निकाल सकता है, भाई हरा दरख्त है ना, हरे का मतलब यह कि पानी है, वहां पानी है, अगर सूख जाए तो इसका मतलब पानी नहीं है, सूख गया तो पानी वहां मौजूद, पानी से आग निकाला यानी जिद से जिद को निकाला। तो तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि राख से जिंदगी की नमू कैसे होगी, राख से जिंदगी की नमू कैसे होगी, तुम देख नहीं रहे कि पानी से आग निकाल सकते हैं हम, जिद को जिद से निकाल सकते हैं, तो क्या राख और मिट्टी से दोबारा जिंदगी की नमूद नहीं कर सकते? नहीं समझ में आया, समझने की कोशिश करो। अल्लवी जाल लकुम मिन अश्शजरिल अखज़र नारन फैदा अंतुम मिन्हु तूकिदून, बात यही। उसके बाद सूरह सफ्फात है, अल्लाह ने फरमाया वस्साफात सफ्फन फज़्ज़ाजिरात सजरन फत्तालियात ज़िक्रा इन इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। क्या गुफ्तगू का अंदाज है, स्टाइल ऐसी है, उसलूब ऐसा है कि आदमी मबहूत हो जाए और डर जाए कि बात किस तरह की जा रही है। वस्साफात सफ्फन फज़्ज़ाजिरात सजरन फत्तालियात ज़िक्रा इन इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, तमाम मशरिकों का रब है। हम तो ये देखते मशरिक एक ही है, मशरिक एक ही है, और यहां कुरान कह रहा है मशरिक बहुत से हैं। तो एक नुक्ता ये समझ लें, ज्योग्राफी के तालिब इल्म यहां बैठे हैं वो तो जानते हैं कि मसलन फर्ज कीजिए मशरिक ये है, तो सूरज आज यहां से निकला तो दूसरे दिन वहीं से नहीं निकलता, ए थोड़ा हटकर निकलता है, देखो मशरिक बदल गया। अब जब यहां से निकले, यहां से निकला तो मगरिब ये है, बराबर है, और यहां से निकला तो मगरिब ये है, यहां से निकला तो मगरिब ये है। मशारिक बदलते रहे तो मगारिब बदल गए। अगर इस तरह जानना चाहें तो इस तरह जान लें कि मशारिक कैसे मुख्तलिफ हुए, और अगर इस तरह जान लें तो जो तुर्की का मशरिक है वो ईरान का आयन मगरिब है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे सैयारे बनाए, उनका मशरिक अलग मगरिब अलग, इस तरह बहुत सारे मशारिक बहुत सारे मगारिब। ये हम सिर्फ अपने सैयारे की बात कर रहे हैं कि एक मशरिक और एक मगरिब है, बहुत सारे सैयारे हैं वहां के भी मशारिक और मगारिब हैं, लिहाजा मुख्तलिफ मशारिक और मुख्तलिफ मगारिब है। चांद का एक मशरिक उसका एक मगरिब है, मुश्तरी का भी, मार्स पर पहुंचे ना साइंसदान लोग, मार्स पर पहुंचे ना, तो वहां का भी एक मशरिक और मगरिब है। तो रब्बुस समावाति वल अर्ध वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, मशरिकों का रब है वो। जाहिर है कि मशरिक बदलते रहे तो मगरिब भी बदलते रहेंगे। उसके बाद एक वाकया बयान किया जा रहा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने मुतअद्दी ताबईन से एक वाकया नकल फरमाया है कि दो दोस्त थे और एक मोमिन था एक काफिर था, दोनों एक साथ मिल करके धंधा करते थे, और उन लोगों को एक दफा 8,000 का नफा हुआ, 4,000 दीनार उन्होंने आपस में बांट लिए। मोमिन को मालूम हुआ कि मेरे काफिर दोस्त ने 1,000 की जमीन खरीद ली है, इसने कहा कि अल्लाह मैं 1,000 रुपया 1,000 दीनार गरीबों के अंदर सदका करता हूं,
और जन्नत में मेरी जमीन दे दे, इकरार विनर। उसके बाद उसको मालूम हुआ कि उसके काफिर साथी ने 1000 रुपए का फर्नीचर, 1000 रुपए का मकान बनवा लिया है जमीन के ऊपर, 1000 अल्लाह किराए में दे दिया, कहे अल्लाह जन्नत में मुझे उसी प्लॉट के ऊपर मकान चाहिए। फिर उसे मालूम हुआ कि 1000 में उसने गुलाम और फर्नीचर वगैरह ले लिए, कहा अल्लाह की राह में 1000 और दे रहा हूं, अल्लाह मेरे घर को सजा दे। और उसके बाद उसे मालूम हुआ कि 1000 में उसने और कुछ किया है, तो उसने 1000 अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये दोनों मर गए। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पूछा कि क्या तू अपने साथी को देखना चाहता है, कहां है वो? कहा कि दिखाई देगा, कि हाँ दिखाई देगा। फतला फराहु फी सवाई जहीन, जहन्नम के बीच में दिखाई देगा वो। अरे तू यहां कैसे पहुंच गया? कहा कि मैं ईमान लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत अता फरमाई है, और देख तूने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, अगरचे तू मेरा दोस्त था, देख अपने कुफर की वजह से तू किस मकाम पर पहुंच गया है। उसके बाद इससे कहा जाएगा अब इस जन्नत से तू कभी निकाला नहीं जाएगा। कहा अफमा नहनु बिमय्यितीन, क्या मौत नहीं आएगी? इल्ला मौततन अलूला, सिवाय पहली मौत के। कहा जाएगा ना अब यहां मौत आने वाली नहीं है, एक मौत हो गई, अब उसके बाद जन्नत में आने के बाद मौत है ही नहीं। ये जन्नत की सबसे बड़ी खसूसियत है कि वहां जाने के बाद आदमी को मौत नहीं आएगी। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। वो उनकी कौम ने कहा कि चलिए चलते हैं ईदगाह में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बीमार हूं। जाहिर है कि वो बीमार नहीं थे, ऐसा लगता है जैसे झूठ हो, लेकिन ये तौरिया है। तौरिया का मतलब समझते हैं, जाहिर में झूठ हो मगर हकीकत में सच हो, उसको कहते हैं तौरिया। झूठ किसको बोलते हैं? झूठ कहते हैं। किसको बोलते हैं? जाहिर में भी झूठ हो और बातिन में भी झूठ हो, उसको कहते हैं झूठ। किस और तौरिया किसको कहते हैं? जाहिर में झूठ हो मगर हकीकत में सच हो। मसलन एक औरत आती है बुढ़िया, कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाइए मैं जन्नत में चली जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। बजाय ऐसा लगता है जैसे झूठ हो, लेकिन हकीकत में वो सच है। इसलिए कि जन्नत में जो जाएगा जवान होकर के जाएगा, बूढ़ी औरत नहीं जाएगी बल्कि जवान होकर के जन्नत के अंदर डाली जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत में, हिजरत कर रहे हैं मदीना की तरफ, और मुशरिकीन आपके ताकुब में है। हजरत अबू बकर आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, कभी आगे हो जाते कभी पीछे हो जाते, बेकरार है, परेशान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अचानक एक आदमी मिलता है, कहता है ये कौन है? तो बोलना चाहिए ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो क्या कहते हैं? हुवा हादी यहदीनी सबील, वो हादी हैं, रास्ता बताने वाले हैं, मुझको रास्ता बता रहे हैं। जाहिर है अब रास्ते का तो मतलब है, एक आखिरत का रास्ता, एक दुनिया का रास्ता। बधाई रजा लगा जैसे झूठ हो, लेकिन हकीकत तो सही है। इसको कहते तौरिया। किस और तौरिया में क्या फर्क है? किस जो हो झूठ होता है वो जाहिर में भी झूठ होता है, हकीकत में भी झूठ होता है, और तौरिया हकीकत में सच होता है लेकिन बजाय ऐसा लगता है जैसे झूठ हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सही कहा मैं बीमार हूं। बीमार का मतलब जिस्मानी बीमार नहीं हूं, तुम्हारे ये कुफ्र देख देख करके मेरा दिल बीमार है, अंदर से मैं बीमार हूं, रूहानी तौर पर बीमार। आदमी जिस्मानी तौर पर भी बीमार होता है और रूहानी तौर पर बीमार होता है, और रूहानी बीमार जिस्मानी बीमारी से बढ़कर के रूहानी बीमारी होती है। आदमी अगर टेंशन में हो तो जिस्मानी तौर पर भी कितना अच्छा हो आदमी को कहीं सुकून नहीं मिलता। उससे पूछा जाता है भाई हट्टे कट्टे हो, खाना वाना खा लिया है, अब क्या प्रॉब्लम है तुमको? जहनी टेंशन में मुब्तला हूं। यानी आदमी की रूह अगर परेशान हो तो आदमी का जिस्म सुकून में नहीं रहता। तो असल सुकून रूह का सुकून है, ना कि बदन का सुकून। उसके बाद अल्लाह तबारक ने फरमाया दलीलें तीन किस्म की होती हैं। एक मुशाहदाती दलील, आंखों से आदमी देख ले, और एक होता किताबी दलील, किताब में लिखी हुई हो, दो दलीलें, और तीसरी दलील इल्जामी होती है, ऐसा है तो ऐसा क्यों करते हो, ये इल्जामी। तो दलीलें तीन किस्म की होती है, एक मुशाहदाती दलील और एक किताबी दलील जिसको नकली दलील बोलते हैं, और एक इल्जामी दलील होती है। मुशरिकीन ये कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, बेटियां हैं। अब अल्लाह ने पूछा ये कहीं किताब में लिखा है? फातू भी किताब को मिन कुंतुम सादिकीन, नकली दलील मानी गई, मांगी गई। लोग कहते हैं जब कोई अहले हदीस भाई कोई हदीस पेश करता है, और कोई आदमी जब कोई बात कहता है तो अहले हदीस भाई दलील मांगता है, भाई दलील लाओ।
तो लोगों ने एक डायलॉग निकाल रखा है, दलील तो जलील मांगा करते हैं। ये फकट डायलॉग है, इस जुमले के अंदर कोई दम नहीं है। क्या? दलील तो जलील मांगा करते हैं, ये जबकि अल्लाह तबारक तआला ने खुद दलील मांगी, फातु बुरहाना तुम कुन्तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। अब ये इल्जाम कहां तक, इल्जाम कहां तक आया? कहते हैं दलील तो जलील मांगा करते हैं, यानी बेदलील मानो, बेदलील मानो, बाबा देते हैं बेदलील है, बेदलील मानो, दलील की जरूरत नहीं, दलील तो जलील मांगा करते हैं। तो एक होता मुशाहदाती दलील, एक होता किताबी दलील, एक होता इल्जामी दलील। पूछा गया कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, कहां लिखा है? नकली दलील है? अगर नकली दलील तो फातु भी किताब सादिकीन, कोई किताब हो तो किताब में लिखा बताओ, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, मुशाहदाती दलील। अच्छा, अल्लाह फरिश्तों को बेटियां बना रहा था, तुम वहां हाजिर थे? तुमने नहीं, तो कोई मुशाहदा भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं और मुशाहदा भी नहीं, आंखों से भी नहीं देखा। अच्छा, अब इल्जामी जवाब, तुम्हें लड़के पसंद है या लड़की? बोले नहीं, हमें लड़के पसंद। अच्छा, तुम्हें लड़के पसंद, अब अल्लाह के लिए लड़कियां, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो, अपने लिए लड़के अल्लाह के लिए लड़कियां, ये इल्जामी दलील है। अब डार्विन के नजरिए का अगर रद्द करना हो तो इसी दलील से रद्द किया जाए, मुशाहदाती दलील से। डार्विन ने कहा कि इंसान पहले बंदर था, मुख्तलिफ मदारिस तय करते हुए इंसान के कालम में आया है। उसे पूछा जाए कि इंसान जब बंदर, जब इंसान बन रहा था, ये किस स्टेप पे, ये बंदर था, जब ये बंदर इंसान बन रहा था तो तू वहां हाजिर था? बोले नहीं हाजिर था। तो तू पागल है? कैसे बोला कि बंदर इंसान बना है? मुशाहदाती दलील के खिलाफ है, मुशाहदे के खिलाफ है। लिहाजा बाज़ लोगों ने कहा, बाद में आने वाले साइंसदानों को, डार्विन पागल था, डार्विन पागल था। और अल्लाह ताला ने हारून यहिया को तो उनके पीछे लगा दिया है, डार्विनिज्म के मानने वालों के पीछे लगा दिया है। 100 सवालात में डार्विनिज्म की मौत, उनकी एक किताब का नाम है, पढ़ो उसको, हारून यहिया की किताब है। 100 सवालात में, 100 क्वेश्चंस है, 100 सवालात में डार्विनिज्म की मौत, के बंदर से इंसान बना है। इसका मतलब हम लोग जानवरों की औलाद है, वो भी बंदर की औलाद है, इसमें शरफ क्या है, इसमें एजाज क्या है? इसलिए कि अगर मान लें कि हम आदम हव्वा की औलाद हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है, इन जिम्मेदारियों से फरार के लिए साइंसदानों ने यह नुक्ता निकाला हुआ, हालांकि हकीकत में उनका दिल मानने के लिए तैयार नहीं कि हम बंदर की औलाद है। बाज लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, है ना, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को, और बाज लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मानने से जिम्मेदारियां नहीं आयद होती, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने से दुनिया भर की जिम्मेदारियां आयद होती है। इसलिए कि अब रसूल जितना कहेगा उतना ही आपको करना, जैसे जैसे कहना होगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जब तक रसूल नहीं बनाए गए थे तब तक की जिम्मेदारी नहीं, मिलाद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, खा लो, पका लो, हलवा खा लो, ये कर लो, कर लो। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मानोगे तभी तो कटवा दिया था उन्होंने, क्या कहा था, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने का मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है, इसलिए कि रसूल जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। इसका मतलब है बाज लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन जहां तक रिसालत का मामला है हकीकत में नहीं मानते, हकीकत में नहीं मानते। तो दलीलें तीन किस्म की, इल्जामी, मुशाहदाती और नकली, और उनके इस दावे में ये तीनों दलीलें मौजूद नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान फरमाया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ हिस्सा दिन का, रात का, अल्लाह के लिए, कुछ फैसले के लिए और कुछ अपने आराम के लिए, अपने आराम के लिए कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा अदालत में फैसले के लिए और कुछ हिस्सा, ये तीन हिस्से कर रखे थे। आराम जब कर रहे थे अचानक वहल अता का नबोल खसम इस तस्वर मेहराब, दीवार फांक करके, तस्वर है, तस्वर को मतलब दीवार फांकना, दीवार फांक करके मेहराब पे आगे जाए सोए हुए थे। इतखलू अला दाऊद फफसे मैं, दाऊद अली सलाम के पास आए तो डर गए, कालू ला तखफ, डरो नहीं, असल में हम दो आदमी हैं, ये मेरा पार्टनर है और मैं हूं, एक फैसले के लिए आए हैं। हजरत दाऊद इस वजह से डरे कि दीवार फांक कर आए थे, कहीं दुश्मन तो नहीं है, सामने दरवाजे से नहीं आए और ये सोने के वक्त आए जो फैसले का वक्त नहीं था। कहा कि बात क्या है? कहा कि अगर बात कुछ भी नहीं है, बस फैसला कर दीजिए हमारे इनके दरमियान और सही सही फैसला फरमाइए। सही सही फैसला क्या है कि ये मेरा भाई है, इन हादा अखी,
لہو تسوں تسوں اناجا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں 99 دمبیاں اس کے پاس ہیں ولی اناجا میرے پاس ایک دمبی ہے اور یہ بڑی چرب زبانی سے بولتا ارے ایک دمبی چراتا پھرتا ہے پورا ٹائم اس کے پیچھے لگا دیتا ارے میری 99 دمبیوں میں اس کو بھی لا کر کے ڈال دینا چرے گی کھائے گی پیے گی حضرت اس کی نیت صحیح نہیں ہے یہ 99 کو 100 بنانا چاہ رہا ہے میری ایک ہے 99 ہے لیکن اپنی چرب زبانی سے ایک دمبی کے اوپر پورا دن خرچ کر دے رہا تو یہ طرح طرح سے واضح فی الخطاب بات میں ذرا یہ وزن رکھتا ہے اور طرح طرح سے بات کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دمبی اس کے 99 دمبیوں میں شامل کر دوں حضرت نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال ناجد کہ لن یعادی اپنی دمبیوں میں ملانے کی بات تمہارے دمبی کی درحقیقت یہ ایک طریقے کا غصب کا معاملہ ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یہ تو پارٹنر کا معاملہ ہو گیا کہ بھائی تم نے ایک دمبی اس کے ساتھ شامل کر دی تو تم اس کے پارٹنر ہو گئے لیکن اکثر پارٹنر کیا ہوتے ہیں بعض بعض کے اوپر ظلم کرتا ہے بتایا یہ گیا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ لیکن اس میں اچھے پارٹنر کم ہیں پارٹنر بناؤ اولاً تو پارٹنر بناؤ ہی نہیں دھندے میں اس لیے کہ اکثریت کیا ہے ٹوپی اڑانے والوں میں سے تب آپ برباد کر دیں گا کیا کرنا تیرے کو کر لے مارنا ہے مار دے ایک صاحب نے وہ لیا 5 لاکھ روپیہ کا گھر بنا دیں گے کھا کر کے بیٹھ گیا گھر کا ٹھنڈ خالی کھڑا ہے بولے 5 لاکھ میں تم نے پورا گھر بنانے کے لیے کہا تھا پنچایت بیٹھ گئی کہا کہ کنویں میں کود پڑوں گا جان دے دوں گا تجھے پھنسا دوں گا ارے جس کا پیسہ تھا کہا بھائی مت کنویں میں کود اور مجھے مت پھنسا دیکھو 5 لاکھ دینے کے بعد بھی کنویں میں کود جاؤں گا اور تجھے پھنسا دوں گا بیچارہ کہہ رہا کہ 5 لاکھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو کچھ مت کر تو وہی نہ کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض اکثر پارٹنر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تو اول تو دھندے میں پارٹنر بناؤ ہی نہیں اور پارٹنر بناؤ تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم بہت تھوڑے ہیں ان کو پارٹنر بنا سکتے ہو اور یہاں یہ بتایا گیا کہ دباؤ سے اگر کوئی آدمی چندہ لے رہا ہے تو چندہ یہ غصب کا معاملہ ہے دباؤ سے چندہ نہیں لے سکتے دباؤ ڈال کر کے دمبی لے رہا ہے نا کہ میری دمبیوں میں شامل کر دے تو دباؤ سے اگر کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو در حقیقت یہ صورت غصب کی ہو جاتی ہے اور غصب سے کوئی چیز لینا یہ حرام ہے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے آزمایا نصب اور عذاب نصب کا مطلب جسمانی تکلیف اور عذاب مالی تکلیف مال بھی سب ختم ہو گیا اور جسمانی تکلیف بھی بہت زیادہ تھی دعا کرتے رہے کوئی بیمار ہو تو یہ دعا کرے تکلیف میں ہو تو یہ دعا کرے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے کسی کو کوئی بیماری ہو کسی کو کوئی تکلیف ہو اور مرض پرانا ہو تو یہ دعا کرے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اور اگر کوئی مشکل میں پھنس گیا ہو تو دعا یونسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے ایک تکلیف پہنچ گئی ہے تو ارحم الراحمین میری تکلیف کو دور فرما تو مال بھی تباہ ہو گیا تھا اور صحت بھی تباہ ہو گئی تھی اور ان کی بیوی بڑی اچھی نیک ہمیشہ ان کے دوا دارو کے چکر میں لگی رہتی تھی کوئی دوا مل جائے جسے ان کو افاقہ ہو جائے اتفاق سے شیطان ملا اور اس نے کہا کہ میں ایک جھاڑ پھونک بتاتا ہوں اور وہ شرکی عمل تھا آئیں اور بتایا کہ ایک آدمی نے بتایا ہے کہ یہ عمل کر کے دم کر دو تو ٹھیک ہو جاؤ کہا کہ پڑھو پڑھا تو اس میں شرکیا الفاظ تھے بہت غصے میں آ گئے کہا کہ وہ شیطان تھا اور تو اس کے چکر میں کیسے آ گئی ذرا میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا اس میں درحقیقت عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی عورتیں مشرکہ ہیں اور وہ ان کو کچھ بولتے نہیں یہاں انہوں نے کہا کہ تُو نے یہ شرکیہ عمل سیکھ کر کے میرے اوپر دم کرنا چاہ ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کتنی عورتیں شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں اور نہ جانے کون کون سے در کے اوپر چلی جاتی ہیں باباؤں کے در پر اپنی عزت گنوا دیتی ہیں پیسہ تباہ و برباد کر دیتی ہے گھر بار تباہ ہو جاتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرنا در حقیقت ان تمام بربادیوں کا سبب ہے اور جب اچھے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اللہ تعالی نے جب اچھا کرنا چاہا تو کہا کہ فلاں جگہ جاؤ وہاں لات مارو اسے ارْكُضْ بِرِجْلِكَ اپنے پیر کو مارو پیر مارا تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکل پڑا کہا کہ اب اسی میں نہاؤ اور ٹھنڈے پانی سے مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ اس کا مطلب ہے گرم پانی سے نہانے کے بالمقابل میں آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت ڈالنی چاہیے
ठंडे पानी से नहाने में सेहत अच्छी रहती है जी। हादा मुग्तसलुम बारिद, ये ठंडे पानी का चश्मा है, नहाइए वो शराब और पीजिए इसको, अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी। अच्छा, अब उस वक्त तो कफारे कसम था नहीं, अब बीवी को 100 कोड़े मारने, तो अल्लाह ताला ने कहा चूंकि इनकी कोई गलती नहीं है लिहाजा इनके साथ माजूर का मामला किया जाए। तो आप वो खुशबियत का जिखसन सीटे लीजिए पतली पतली 100 और एक दफा मार दीजिए। ऐसे ही हुआ, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जानी लाया गया, जानी की सजा क्या है, 100 कोड़े मारे जाए अगर शादीशुदा नहीं है तो, शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े मारे जाए। देखा तो इंतहाई मुनहनी मरियल सा, ये मरियल ने जना कर लिया था, मरियल चल नहीं पाता था, नबी ने देखा ये अगर इसको मारा गया तो मर जाएगा, ये तो 4 कोड़े के अंदर लेट जाएगा मर जाएगा। ये जानी इंतहाई नहीफ और नजार, इंतहाई मरियल और वीक था, वीकेस्ट था एकदम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके साथ माजूर का मामला किया जाए, लिहाजा 100 पतली पतली लकड़ियां लाई गई और एक साथ लकड़ी उसको मार गई। इसका मतलब कानून में लचक पैदा हो जाती है अगर हालात बदल जाए तो, यानी हालत बदलने से कानून बदल जाता है। जैसे चोर की सजा क्या है, हाथ काट दिया जाए। एक आदमी लाया गया हजरत उमर के जमाने में, चोर, आपने हुक्म दे दिया इसका हाथ काट दिया जाए। उसने कहा कि मैंने ये जो चोरी की है पेट की आग भरने के लिए, मैं भूखा था इस वजह से मैंने चोरी की है, उसकी हद माफ कर दी गई। इसका मतलब कानून में लचक पैदा हो जाती है, कानून में तब्दीली पैदा हो जाती है अगर हालत बदल जाए। हालत के बदलने से कानून में तगयुर हो जाता है। यह है इस्लाम के कानून का मिजाज, इस्लामी कानून का मिजाज है। उसके बाद सूरह जुमर शुरू होती है, इसमें दो बातें बहुत प्यारी बताई गई हैं शुरू में। एक तो यह कि आदमी को हमेशा भीम और रजा के दरमियान रहना चाहिए, खौफ और उम्मीद के दरमियान। अमन हुआ कानितुन आना अल्लाही साजिदं व काइमन यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين لا يعلمون। जो आदमी सजदा करता है, इबादत करता है और आखिरत से डरता है और अपने रब से उम्मीद रखता है, तो डरो भी और उम्मीद भी रखो, इसलिए कि रब से ताल्लुक गहरा करने के लिए, मुतवाजिन करने के लिए जरूरी है कि भीम और रजा के दरमियान ईमान रहे। इसलिए कि अगर भीम और रजा के दरमियान ईमान नहीं रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक गैर मुतवाजिन हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा वो।